बहुत पुरानी बात है, राजगढ़ के राजा चंदन सिंह थे। रानी को मरे हुए कई साल बीत गए थे। राजा के तीन बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम सोना था, पर सबसे छोटी और सबकी दुलारी होने की वजह से सभी भाई उसको प्यार से सोन चिरैया कहते थे। वह पूरे राजमहल की दुलारी थी, हर तरफ चिड़िया की तरह ही फुदकती, कभी अपने पिता के पास बैठती, कभी राजकुमारों के साथ घुड़सवारी करती और कभी तीर धनुष चलाना सीखती। एक बार तीनों राजकुमार देशाटन की इच्छा से अपने अपने प्रिय घोड़ों पर बैठ जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने तीनों रानियों को बुलाकर समझाया कि वे लोग जा रहे हैं, आप लोगों को हमारे पिता का पूरा ध्यान रखना होगा और हमारी प्यारी बहन सोन चिरैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब हम लौट के आए तो हमारी बहन हंसती मुस्कुराती ही मिलनी चाहिए। तीनों रानियों ने हाँ में हाँ मिला दी, जबकि वास्तव में सोन चिरैया उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। राजकुमार भाइयों के जाने से सोन चिरैया बहुत उदास हो गई। वे अपने कमरे में से ही नहीं निकलती थी। एक दिन सबसे बड़ी भाभी उसके पास आई। उसने कहा, सारे दिन पलंग तोड़ती हो, कुछ घर की जिम्मेदारी भी उठाओ। उसने उसको आटा छानने वाली एक छलनी दी और कहा, जंगल में जाकर उस छलनी में तालाब में से पानी भर के ले आओ। सोन चिरैया तालाब के किनारे पर बैठकर रो रही थी, तभी उसकी आंखों से गिरा आंसू वहीं एक नाग के बिल में जा गिरा। नाग फनफनाता हुआ बिल के बाहर आया। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने अपनी जादुई शक्ति से अपना रंग पानी जैसा ही कर लिया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो। वह नाग उस छलनी में जाकर बैठ गया। उसने कहा, अब तुम छलनी को तालाब के पानी से भर लो। उसने छलनी में पानी भर लिया। नाग के बैठने से उस छलनी के सारे छेद बंद हो गए थे। जब वे छलनी में पानी भर कर ले आई, तब उसकी भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, ले जाओ, वहीं रख दो। सोन चिरैया ने एक नजर अपनी भाभी पर डाली और उदास होकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। दूसरे दिन सोन चिरैया जब अपने कमरे में बैठी थी, तब उसकी दूसरी भाभी आई और उसको एक धान की बोरी पकड़ा दी और कहा कि जंगल में जाकर सारा धान सुखा दो और इसमें से सारे चावल के दाने निकाल कर ले आओ। जब तक चावल के दाने निकल ना जाएं, लौट के मत आना, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। सोन चिरैया धान लेकर गई और एक चादर पर धान सूखने के लिए फैला दिया। खुद एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी, तभी पेड़ पर एक पक्षियों का झुंड आया। उनसे उसका रोना नहीं देखा गया। उन्होंने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि उसकी भाभी ने उसको धान के चावल निकालने के लिए दिए हैं। तब एक चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो। उसने पूरी चिड़ियों के साथ मिलकर सारे धान से चावल अलग कर दिए और उसको दे दिए। सोन चिरैया खुशी खुशी चावल लेकर महल में आ गई। जब तीनों राजकुमार भाई परदेश से लौटे, तब उन्हें सोन चिरैया कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने पूछा कि हमारी बहन सोन चिरैया कहाँ है? सबसे बड़ी रानी ने कहा, होगी कहीं गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होगी। राजकुमार ने कहा, नहीं, पहले तुम उसको हमारे सामने लेकर आओ। जब वे उसको लेकर आई, तब सोन चिरैया भाइयों को देखते ही रोने लगी। उसका उदास चेहरा देखकर भाइयों को समझते देर नहीं लगी कि उन सब ने उनकी प्यारी बहन को बहुत सताया है। राजकुमार ने पूछा, इन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी थी? तब उसने ना में सर हिलाया, लेकिन उसकी आंख से झर झर आंसू गिरते ही जा रहे थे। उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ा सा चूल्हा जलवाया और इसको उसके ऊपर एक कड़ाहे में गर्म तेल गर्म करने के लिए रखवा दिया। पहले सबसे बड़ी रानी से कहा, तुम्हें इस तेल भरे कड़ाहे के ऊपर से पार करना होगा। अगर तुमने मेरी बहन को सताया नहीं होगा तो तुम इस कड़ाही को आराम से पार कर लोगी। सबसे बड़ी रानी मन ही मन चिंतित थी और वह बोलती जा रही थी, आई 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 घड़ी विपदा आई, जो मैं ननद को सताई, गिरूं भीतर कड़ाई, वरना पार उतर जाई।
लेकिन वे कड़ाहे में ही गिरकर खत्म हो गई। दूसरी की बारी आई, वह भी यही कहती हुई कड़ाहे पर से कूदने चली। आई 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 घड़ी विपदा आई, जो मैं ननद को सताई तब तो गिरूं मैं कढ़ाई, वरना पार उतर जाई। बोलती जा रही थी वह भी कड़ाहे में गिर गई। जब तीसरी की बारी आई तब वह बिना किसी बाधा के पार हो गई। तीनों राजा के बेटों ने सोन चिरैया और छोटी रानी को अपने पास बैठा लिया। छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। सोन चिरैया का भी विवाह एक वीर और होशियार राजकुमार से हो गया। सब खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। एक गांव में हीरा लाल नाम का मदारी अपनी पत्नी फुलवा के साथ रहता था। उसके पास एक बंदर और एक बंदरिया थे और वो उनका खेल दिखाकर अपने परिवार को पाल रहा था। वो एक दिन खेल दिखा रहा था। उसकी बंदरिया एक्टिंग करते हुए रूठ कर एक कोने में बैठ गई। उसने बंदर से कहा, अरे ओ माइकल जैक्सन, तुम्हारी दुल्हनिया रूठ कर मायके चली गई है, जाओ जाओ उसे मना कराओ। बंदर एक डंडा लेकर बंदरिया को मनाने के लिए चल पड़ा। वो गोल गोल घूम रहा था। बंदरिया मान ही नहीं रही थी। हरीलाल उसे चिढ़ा रहा था। इतने में बंदर ने हरीलाल को दो डंडे मारे। हरीलाल मुस्कुराया और डर से पीछे हट गया और बोला, दुल्हनिया नहीं मान रही है और माइकल जैक्सन को गुस्सा आ गया है। बंदर बंदरिया को मारने के लिए आगे गया, लेकिन हीरा लाल ने बंदरिया को बचा लिया। इस खेल को देखने के अवेज में बहुत सारे पैसे मिले। हीरा लाल अपने बंदर और बंदरिया को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। आप तीनों आ गए? हाँ भगवान, आ गए हैं। आज खेल बहुत अच्छा हुआ। माइकल जैक्सन चुस्त दुरुस्त थे, लेकिन हीरोइन बंदरिया थोड़ी गुस्सा थी। अजी आप नहीं समझोगे, ऐसी समय में कुछ सुस्ती आ ही जाती है। अब क्या मतलब? बंदरिया पेट से है, इसका विशेष ख्याल रखना होगा। ओहो, अच्छा अच्छा ये बात है। अब मैं इससे ज्यादा काम नहीं लूंगा। माइकल जैक्सन, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी, तुम्हारी दुल्हनिया को आराम की जरूरत है। बंदर माइकल जैक्सन हामी में सर हिलाने लगा। एक दिन हीरा लाल अपनी घर में जमीन पर एक चटाई बिछाकर अकेला सोया हुआ था। अचानक एक सांप उसके पास आने लगा। बंदर माइकल जैक्सन और बंदरिया ने उसे देख लिया। बंदरिया झट से आगे बढ़ी और ढाल की तरह सांप के सामने खड़ी हो गई। सांप फन निकाल कर खड़ा हो गया। पीछे से बंदर माइकल जैक्सन भी आ गया। माइकल ने सांप के फन पर पीछे से एक थप्पड़ मार दिया। सांप उसकी तरफ मुड़ा और बंदरिया का एक हाथ उसके फन पर पीछे से पड़ गया। दो तरफा आक्रमण देखकर सांप चकरा गया। बंदरिया ने कबड्डी के अंदाज में अपना पिछला पैर आगे किया। सांप ने वार किया और बंदरिया ने पैर तुरंत हटा लिया। एक बार फिर बंदरिया का झापड़ सांप के सर पर पड़ा। हीरा लाल जाग कर यह तमाशा देख रहा था। उसके बाद उसके बंदर बंदरिया ने सांप की तगड़ी खातिरदारी कर दी। अब सांप को अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ा। हीरा लाल कहता है, शाबाश मेरे माइकल जैक्सन और हीरोइन, तुम दोनों ने आज कमाल कर दिया, मेरी जान बचा ली। उस सांप को तो नानी दादी सब याद आ गई होगी। ये दोनों ही हमारे प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक दिन हीरा लाल और फुलवा अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बंदरिया हीरोइन दौड़कर उनके पास आई और दोनों का हाथ पकड़कर खींचने लगी। हवा तेज चल रही थी। हीरा लाल कहता है, क्या बात है हीरोइन, हमें कहाँ ले जाना चाहती हो? ये दोनों ही हमारे प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। दोनों को लेकर बंदरिया घर के अंदर जाने लगी और दरवाजा बंद कर दी। वो पेड़ जड़ से उखड़कर वहीं पर धड़ाम से गिरा जहां पहले हीरा लाल और फुलवा बैठे थे।
अरे बाप रे, हम तो बाल बाल बच गए। भगवान की कृपा से हीरोइन ने हमें बचा लिया। ये मेरी बहुत प्यारी बिटिया है। फुलवा, ये बेजवान है लेकिन इसे खतरे की पहचान है। इसने देवी बनकर हमारी रक्षा की है। फुलवा ने हीरोइन को अपने सीने से लगा लिया। हीरोइन, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदरिया प्रसव वेदना से कराह रही थी। फुलवा उसकी मदद कर रही थी। कुछ ही देर में एक नन्हा मेहमान इस दुनिया में आ गया। फुलवा और हीरोइन दोनों बहुत खुश हो गए थे। हीरालाल माइकल को लेकर आ गया। वो सभी इस खुशी में शामिल हो गए। लो जी, नन्हा माइकल आ गया। माइकल जैक्सन नाचने लगा। छोटा बच्चा बंदर सबके मनोरंजन का साधन बन गया था। वो सबके साथ खेलता था, उछल कूद करता था, खूब मस्ती करता था। एक दिन बंदरिया अपने बच्चे के पीछे जा रही थी। अचानक दो सांप सामने आ गए। हीरोइन उन दोनों सांपों से लड़ गई। वो अकेली थी इसीलिए संभाल कर लड़ रही थी। माइकल जैक्सन भी आ गया और उसकी सहायता करने लगा। दोनों बंदर बंदरिया और उन सांपों के बीच में लड़ाई चलने लगी। वार पर वार हो रहे थे। माइकल ने एक सांप को मार दिया और दूसरा सांप जान बचाकर भाग निकला। हीरोइन एक कोने में बैठ गई थी। उसका बच्चा भी उसके पास आ गया था। फुलवा और हीरा लाल भी आ गए। हमारी हीरोइन बहुत बहादुर है, दोनों सांपों को हरा दिया। अब चलो उठो, जूनियर माइकल भी आ गया है। अरे ये हिल भी नहीं रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, आप ही देखिए। हीरा लाल ने जब हीरोइन को हाथ लगाकर देखा तो भौचक्का रह गया। हमारी हीरोइन? क्या हुआ हमारी हीरोइन को? अब कभी नहीं बोलेगी। फुलवा दहाड़ मार कर रोने लगी। नहीं नहीं, भगवान हमारे साथ, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे मुझे वापस दे दीजिए। हीरा लाल ने ढांढस बगाने की बहुत कोशिश की लेकिन फुलवा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बच्चा बंदर बार बार अपनी माँ को उठाने का असफल प्रयास कर रहा था। उस दिन बीत गए। एक रात फुलवा ने एक सपना देखा। सपने में उसके सामने उसकी हीरोइन आकर खड़ी हो गई। माँ, मैं तुमसे दूर हो गई हूँ लेकिन फिर से वापस आऊंगी। मैं इस बार आपकी बिटिया बनकर आऊंगी। हाँ हाँ बेटी, तो मेरे पास चलिया। माँ, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। मेरी प्यारी बेटिया, ये मेरा सौभाग्य होगा। फुलवा ने सपने की यह प्यारी बात जब हीरा लाल को बताई तो वो खुश हो गया। हे भगवान, आप मेरी हीरोइन को मेरी बिटिया बनाकर भेज दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी। फुलवा गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उसे देखकर ही फुलवा खुशी से झूम उठी। हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, आपने मेरी हीरोइन को मेरी गोद में डाल दिया। सुनिए जी, देखिए, ये हमारी हीरोइन ही है, इसके गाल पर भी काला तिल है। हीरा लाल, फुलवा, माइकल जैक्सन और छोटा बच्चा बंदर सभी उस बच्ची को बड़े प्यार से देख रहे थे।